हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से हम कोरिएंडर सीड यानी धनिया के बीज को जो है अपनी डाइट में इंक्लूड करके इसको किस तरीके से हम यूज़ करके इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। धनिया के जो लीव होती हैं यानी कोरिएंडर लीव यानी धनिया पत्ता, उसको हम खाने में हमेशा यूज़ करते हैं, इसकी चटनी बनाते हैं, गार्निशिंग के लिए हर फूड में हम इसको इंक्लूड करते हैं। ये फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होता है, और भी हेल्थ प्रॉपर्टीज़ इसकी लीव्स में होती हैं, उतनी ही इसकी सीड में भी होती हैं। तो इसका जो सीड होता है वो हमारी जो है वेट लॉस में काफ़ी हेल्पफुल होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें, कलन कैंसर को ये प्रिवेंट करता है। इसमें आयरन होता है जिसकी वजह से ये एनीमिया को भी जो प्रिवेंट करता है। वाइटामिन ए होने की वजह से ये आई हेल्थ को भी प्रमोट करता है। फाइबर होता है इसमें जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन जो है इम्प्रूव होता है, इसीलिए हम हर चीज़ में धनिया की शीट्स को यूज़ करते हैं, धनिया पाउडर यूज़ करते हैं। ये एंटी एलर्जिक होता है, एलर्जी को भी ये प्रिवेंट करता है, और ये नौजिया यानी वोमिटिंग जब फील होती है उस सब में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। लीवर हेल्थ को भी ये प्रमोट करता है, लीवर को हेल्दी रखता है, और साथ ही में जो है जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी ये कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है, और जो लो ब्लड शुगर होता है उसे भी ये मेंटेन करता है। और इसमें नेचुरल लेजेक्टिव होते हैं जिसकी वजह से हमारी हेल्थ जो है प्रमोट होती है और हेल्थ अच्छी रहती है। यूरिन इन्फेक्शन को जो है भी ये भी प्रमोट करता है क्योंकि ये एंटी एलर्जिक होता है। यूटीआई से भी ये हमें जो है बचाता है। ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो जो क्रैम्प्स आते हैं, जो पेन होते हैं, उसमें भी ये जो है रिलीफ देता है, और जो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन गैस की, उसमें भी ये हेल्पफुल होता है, उसमें रिलीफ देता है। इसमें ढेर सारा मैग्नीशियम होता है, और ये हमारी स्किन और हेयर को भी हेल्दी रखता है, हमारी मेमोरी को शार्प करता है, और जो माउथ अल्सर होता है, जो माउथ स्मेल होती है, या फिर जो पायरिया की प्रॉब्लम होती है, उसमें भी ये काफ़ी रिलीफ देता है। होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो इस धनिया वाटर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ग्लास जो है वाटर ले लिया है। मैं वन ग्लास की रेसिपी बना रही हूँ या फिर वन ग्लास का इसमें रेमेडी बना रही हूँ। आपको अगर टू ग्लास चाहिए तो आप टू ग्लास भी वाटर ऐड कर सकते हैं। तो एक ग्लास मैंने पानी ले लिया है, उसी में टू स्पून के करीब मैंने जो है कोरिएंडर सीड इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अगर समर सीज़न है तो हम इसको फ्रिज में रख देंगे ओवरनाइट, या फिर अगर विंटर सीज़न है तो हम इसको रूम टेम्परेचर पे अपनी किचन में रख सकते हैं। अगर इसको हम ओवरनाइट रखते हैं तभी इसके इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा आते हैं। तो मैं इसको जो है ओवरनाइट रख रही हूँ फ्रिज में। अगर आपको ये इंस्टेंट चाहिए तो आप इसे जो है टू स्पून धनिया को डेढ़ ग्लास पानी में जो है इंस्टेंट बॉईल करके और हल्का सा ठंडा करके आप इसको ले सकते हैं, अगर आप इसको रात भर भिगोना भूल गए। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग में इस तरह से इसका कलर एकदम चेंज हो गया है, एकदम ब्राउनिश कलर इसका आ गया है। तो इसका मैं अब ड्रिंक रेडी कर लेती हूँ, इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। ये वेट लॉस में काफ़ी हेल्पफुल होता है, और उसके साथ साथ आपको मैंने बताया था कि कितने बेनिफिट्स इसके हैं अगर हम इस वाटर को लेते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये जो धनिया इस तरह से बच गया है, हम इसको ड्राई करके, इसको सुखा के हम किसी मसाले में जब भी कोई मसाला बनाएंगे उसमें हम इसको यूज़ कर लेंगे, इसको फेंकेंगे नहीं। अब मैंने इसमें वन स्पून के करीब हनी ऐड कर दिया है, इसका जो फ्लेवर है वो इन्हेंस करने के लिए, या फिर इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे हाफ लेमन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, आप जैसे चाहें इसको हेल्दी बना सकते हैं लेमन और हनी ऐड करके। अब ये ड्रिंक रेडी है, अभी आप इसको हम यूज़ कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।